हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं वेशराज भट्टराई और आप देख रहे हैं रियल सेफ ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो मार्केट में आपको नॉर्मली 20 से 30 रुपए में जो ज़्यादातर जो सैंडविच मिलते हैं उसको कैसे बनाया जाता है। सो गाइज, इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए गाइज, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बार ना साइज़ का कंपेयर करवाने वाला हूँ, क्योंकि इसका ना साइज़ बाकी बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आप सैंडविच जो मार्केट में खाते हैं उसका साइज़, और साथ में जो आप नॉर्मली डेली घर में यूज़ करते हैं वो वाला ब्रेड, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जो नॉर्मली जो ब्रेड और उसमें कितना साइज़ का डिफरेंस है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो इस तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा छोटा लग रहा है, और इस तरीके से भी देख सकते हैं मोटाई में भी काफ़ी ये बड़ा है और चौड़ाई में भी काफ़ी ज़्यादा छोटा है ये ब्रेड। सो देख सकते हैं इस तरीके से ये वाला ब्रेड आपको सैंडविच के लिए यूज़ करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ब्रेड का साइड है इसको आपको हटाना है, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से देख सकते हैं इसको आपको हटाना है ये वाला पार्ट। तो इसको चाकू से इस तरीके से काटें, तो क्या इस तरीके से हमने ब्रेड को चारों तरफ से काट लिए, यानी कि कोना कोना। और दूसरा अब हमारा काम रह गया है वो है हमें वेजिटेबल्स को काटना। और वेजिटेबल में आप गोभी ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं, लेकिन खीरा तो आपको बहुत ज़्यादा इस सैंडविच में ज़रूरी है। तो उसको क्या करना है कि आप ना इसको दो तीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तो आप इसको घीस के भी यूज़ कर सकते हैं, बारीक चॉप करके भी यूज़ कर सकते हैं, और पतले स्लाइस करके भी, गोल काट के भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल मोटा तरीके से घीस के यूज़ करने वाले हैं, मोटा तरफ से। लेकिन मैंने आपको बताया कि इसको चाहे तो आप बारीक चॉप कर सकते हैं, और चाहे तो इसको पतला स्लाइस में काट के भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको ना घीसेंगे मोटे मोटे वाली तरफ से। और इसी तरीके से हम खीरे को भी घीसते हैं। इस तरीके से हमने खीरे को भी घिस लिए हैं। लेकिन अगर आप घिस के करते हो खीरे को, तो इसमें क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा में पानी होता है, तो आपको इसमें पानी को थोड़ा सा निचोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पानी को हम पहले एक बार निचोड़ देते हैं। पानी को निचोड़ के फिर हम इसको एक बर्तन में रखते हैं, एक बाउल में। तो गाइस, इस तरीके से हमने इसको घिस लिए हैं, और घिस के हमने हल्का से इसको निचोड़ भी लिए हैं, ठीक है। अब दूसरा स्टेप रह गया है व्हाइट मेयोनीज, ठीक है। जो भी आप सैंडविच खाते हैं उसमें व्हाइट मेयोनीज का ही स्वाद होता है, और कुछ तो होता नहीं है। तो यहाँ पर जो व्हाइट मेयोनीज होती है देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये वाली भी काफ़ी आपको सस्ती मिलेगी, क्योंकि मार्केट में जो आप लोगों 20 रुपये का जो सैंडविच खा रहे हो उसमें हाई फाई क्वालिटी का तो डालेंगे नहीं, लेकिन ये भी नॉर्मली ठीक ठाक टेस्ट होता है इसका, और काफ़ी ज़्यादा ये सस्ता मिलता है। यानी कि काफ़ी ज़्यादा, मतलब समझ लो कि ये 1 किलो का पैकेट है ओनली 50 रुपीज़ का, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा सस्ता है। तो इसको हम अब इसमें डालेंगे सब्जी में, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा सा ज़्यादा डालना है, मतलब आपको इतना डालना है कि जिस हिसाब से आप सैंडविच बना रहे हो आपको कितना सैंडविच बनाना है ये चीज़ आपको देखना है। इस तरीके से हमने इसमें मेयोनीज रख लिए हैं, व्हाइट मेयोनीज जो मीठी वाली होती है मार्केट में। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक आपको ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा डालना है। इस तरीके से थोड़ा सा नमक डालना है, और बिल्कुल थोड़ा सा डालना है ब्लैक पेपर। ये सब डालने के बाद आपको अच्छी तरीके से इसको आपस में मिलाना है। बाकी मेयोनीज आप चाहे तो थोड़ा सा अच्छे ब्रांड के भी डाल सकते हैं, जैसे कि बीबा का हो गया, फनफूड का हो गया, ये सारा आप डाल सकते हैं। वो थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ते हैं, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता, वो भी लगभग 80-90 रुपये का आपको आराम से मार्केट में मिल जाएंगे। सो इस तरीके से हमारा ये मसाला भी देख सकते हैं तैयार हो चुका है। तो सिंपल ही बस इसको डायरेक्ट अब हमें इसमें पेस्ट करेंगे, और इसको चारों तरफ बराबर फैलाएंगे। सो इस तरीके से आपको जो मेयोनीज सब्जी वगैरह हमने बनाया है उसको चारों तरफ से ब्रेड में अच्छी तरीके से अप्लाई करना है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो इसी तरीके से हम एक और ब्रेड लेते हैं, और उसमें भी सेम इसी तरीके से इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। बाकी आप चाहे तो इसको थोड़ा सा कम भी यूज़ कर सकते हैं मेयोनीज, अगर आपका प्राइस बिल्कुल ही लो है तो ये मेयोनीज वगैरह है, वेजिटेबल्स, ये सारा आपको थोड़ा सा कम अप्लाई कर सकते हैं। ओके गाइस, इस तरीके से हमने दोनों ब्रेड में मेयोनीज वगैरह अच्छी तरीके से लगा लिए हैं, और आखिरी स्टेप रह गया है हमारा
इसको ढकना, ठीक है। तो इसी तरीके से दूसरा ब्रेड से हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से ढक देंगे। देख सकते हैं बिल्कुल आराम से इसको हमने ऊपर से ढक दिए। सो गाइस, इस तरीके से हमने चार ब्रेड लिए थे और हमारे चार सैंडविच तैयार होने वाले हैं। और अब हमारा लास्ट स्टेप यह रह गया कि हम इसको काटने वाले हैं। बाकी आप इसको ग्रिल करके भी बेच सकते हैं। अगर इतना प्रोसेस होने के बाद अगर आप ग्रिल करते हैं तो आपके 10-20 रुपये और प्राइस इसका बढ़ जाता है। बाकी आने वाले वीडियो में तो आपको मैं बहुत ही अलग अलग इनके वैरायटीज़ में बताने वाला हूँ, लेकिन अभी सिंपल आपको बेसिक रेसिपी बता रहा था। तो इसको फाइनल यहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है, बस हमें इसको काट के हमें इसको सर्व करना है, ठीक है। तो इसको बस इस तरीके से कोने से मिलाकर आपको काटना है। सो गाइस, देख सकते हैं फाइनली हमारे सैंडविच बनकर बिल्कुल तैयार है। तो आप भी इसको खा सकते हैं, घर में बना सकते हैं, इसको एंजॉय कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको दुकान में भी बेच सकते हैं। सो गाइस, आपने देख लिया कि जो मार्केट में आपको सैंडविच मिलता है उसको बनाना कितना ज़्यादा आसान था। सो मुझे उम्मीद है कि आप भी इस तरीके से सैंडविच बनाकर घर में अपना एंजॉय करोगे। अगर अपना रेस्टोरेंट है या फिर होटल है तब भी आप और वहाँ पर इसको रखकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि इसमें लगानी बहुत ही कम, यानी कि इसको बनाने में खर्चा बहुत ही ज़्यादा कम आता है और ये अच्छे प्राइस में बिक जाता है। और आपको अगर दुकान के लिए बना रहे हैं तो आपको फाइनली आप एक बार इनको रैप करके रखना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्लीन रैप लेना है, ठीक है। उसके बाद इसको आप खोलेंगे, तो इस तरीके से क्लीन रैप में इसको अच्छी तरीके से फोल्ड करके रख लीजिए। ये देख सकते हैं, ठीक है, फाइनली ये तैयार है। और जब भी कस्टमर आए तो आप साथ में क्या करना है, एक प्लेट लेना है, डिस्पोजल प्लेट, इसको ये पकड़ा देना है। साथ में एक रुपये वाला कैचअप आता है, ठीक है, इसको रख के, और साथ में हो सकता है एक टिश्यू भी उसको लिए ये पकड़ा के आपको फाइनल इसको सर्व करना है। सो गाइस, मार्केट में जो मिलने वाली सैंडविच थी वो कैसे बनाया जाता है, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखा दिया हूँ। सो मुझे उम्मीद है कि आज का भी ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा एक प्यार सा कमेंट छोड़ते जाइए। सो गाइस, इस वीडियो करता हूँ अब ये खत्म। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।